तुम्हारा सारा बयान हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। बहुत दिनों से तुम्हारी तलाश थी मिस्टर देवा। यू आर अंडर अरेस्ट। इंस्पेक्टर, ये भी इसका साथी है, गिरफ्तार कर लो इस हरामजादे को। मिस्टर राजा, यू आर अंडर अरेस्ट। रुक जा राजा। पकड़ लो इसको। चलो रानी, जल्दी बैठो। अदालत के सामने अब तक मैंने जितने भी सबूत पेश किए हैं उनके जरिए सिर्फ एक ही बात साबित होती है, रूपा देवी का खूनी राजा है, उनका कातिल राजा है, सिर्फ राजा। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुजरिम राजा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। सरकारी वकील के जरिए पेश किए गए तमाम सबूतों और दलीलों के बुनियाद पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि रूपा देवी का कत्ल मुजरिम राजा नहीं किया है, लिहाजा अदालत तेरे दफा 302 ताजीरात हिंद मुजरिम राजा को। ठहरिए योर ऑनर, इस केस के सिलसिले में मुझे आपसे कुछ कहना है। योर ऑनर, मदाखलत के लिए मैं माफी चाहता हूं और अदालत के सामने एक ऐसे आदमी को पेश करने की इजाजत चाहता हूं जिसके बयान से इस फैसले का रुख बदल सकता है। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मुजरिम राजा के कातिल साबित होने के सारे सबूत अदालत में पेश किए जा चुके हैं और अब सफाई की कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती। नो योर ऑनर, अगर अदालत का थोड़ा सा वक्त बर्बाद होने से किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बच सकती है, एक बेगुनाह फांसी के तख्ते पर लटकने से बच सकता है, तो मेरा ख्याल है कि अदालत का यह फर्ज बनता है कि वो अपना यह फैसला थोड़ी देर के लिए रोक दे। इजाजत है। मेरा नाम देवी है, वही देवी जिसे आज से बरसों पहले उसके सौतेले बाप ने घर से बाहर निकाल दिया था ताकि वो उसकी मां की जायदाद हड़प सके, वही देवी जिसे वक्त और हालात ने आज देवा बना दिया है। तुम गीता के बेटे हो? हाँ, मैं गीता मां का बेटा हूं और उसी गीता मां पे जुल्म करने वाला आज इंसाफ की कुर्सी पर बैठा है और वो आप है जज साहब। और आज किस्मत का फैसला देखिए जज साहब, उसी गीता मां का बेटा आज इस कटहरे में खड़ा है अदालत के मुजरिम बनकर। राजा, मेरा बेटा। मत कहो अपनी गंदी जबान से मुझे बेटा। तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसने जेल की सलाखों के पीछे जन्म लिया था। तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मर गया था जब उसकी बेगुनाह मां इसी अदालत में चीख चीख कर कह रही थी कि मैं बेकसूर हूं और उसे खींचकर बंद कर दिया गया। तो आज ये पत्थर मोम कैसे बन गया? अरे इंसाफ का चोगा पहनकर बेइंसाफी करने वाले शैतान, आज मैं तुमसे कहता हूं कि यह खून मैंने नहीं किया, लेकिन तेरे सारे सबूत, तेरे सारे गवाह मेरे खिलाफ हैं। तो सुना दे अपने मुकदमे का फैसला, चढ़ा दे मुझे फांसी के तख्ते पर, ताकि हर पल हर घड़ी तेरा जमीर, तेरी आत्मा तुझे मौत की सजा सुनाती रहे। इंसाफ की कुर्सी में बैठकर सारी दुनिया के साथ इंसाफ करने वाले
अगर कर सकता है तो कर, इंसाफ अपने लहू से, अपने लहू से, अपने लहू से। योर ऑनर, मैं एडवोकेट अंजलि मुजरिम राजा के लिए डिफेंस लॉयर की हैसियत से पेश होने की इजाजत चाहती हूँ। ये रहा मेरा वकालतनामा। You can proceed. Your Honor, Mr. Devi के बयान ने इस केस को एक नया मोड़ दे दिया है। मुलजिम राजा आपका अपना बेटा है, आपका अपना खून है, इसलिए आपको इस केस का फैसला करने का कोई हक नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इस मुकदमे के लिए एक नया जज अपॉइंट किया जाए। मुझे ना तो इस मुकदमे का फैसला करने का कोई हक है और ना ही इस कुर्सी पर बैठने का। कोर्ट इज आवर जॉब। थैंक यू। गुंजाइश है योर ऑनर, इसमें राजा की जरूर कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वो अपना जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर हो गया। योर ऑनर, हुआ ऐसा था कि जिस वक्त रूपा देवी का खून हुआ उस वक्त बंगले के अंदर एक ऐसा चश्मदीद गवाह मौजूद था जिसने अपनी आंखों से देखा कि जिस वक्त राजा बंगले के अंदर दाखिल हुआ खूनी अपना काम करके फरार हो चुका था। अगर ऐसा कोई गवाह मौजूद है तो मेरी फाजिल वकील उसे अदालत में पेश क्यों नहीं करती? मैं हूँ वो चश्मदीद गवाह जिसने अपनी आंखों से खूनी को खून करते हुए देखा है योर ऑनर। तो आप बताइए ये खून किसने किया है? जरूर बताऊंगी योर ऑनर, लेकिन मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे 10 मिनट की मोहलत दी जाए। मुझे यकीन है कि खूनी खुद अपने आप को कानून के हवाले कर देगा। अदालत आपको वक्त देती है। I'm sorry to say, Your Honor, हम खाम खा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। अब तक कोई खूनी अदालत के सामने नहीं आया। 10 मिनट होने में Your Honor, अभी 5 सेकंड बाकी हैं। 4, 3, 2, 1, और ये रहा आपका मुजरिम। मैं महेंद्र प्रताप सिंह, एक्स हाई कोर्ट जज, कबूल करता हूं कि रूपा का कातिल मैं ही हूं। मैंने ही रूपा का कत्ल किया। मिस्टर महेंद्र प्रताप, ये बयान आप अपने होशो हवास में दे रहे हैं? होशो हवास? योर ऑनर, अफसोस तो यही है कि परसों बाद मैं अपने होशो हवास पर काबू पा सका हूं। बरसों तक मैं कुछ लोगों के हाथों का खिलौना बना रहा। बरसों तक मकतूला रूपा और अपने दोस्त नूमा, हरद्वारी लाल जैसे दुश्मन के हाथों की कठपुतली बना रहा। जब मुझे मालूम पड़ा कि रूपा कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर चुकी है और हरद्वारी लाल मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है, तो मैं पछतावे की आग में जलता रहा। और फिर एक दिन अचानक एक 5-स्टार होटल से रानी का टेलीफोन आया। जज साहब, मैं रानी बोल रही हूँ। अंजलि की जान खतरे में है। जिम्मी के प्लान के मुताबिक रूपा अंजलि को लेकर उसके होटल जाएगी और वहां उसकी शादी जिम्मी से जबरदस्ती करवा दी जाएगी। जहरीली नागिन, बरसों से तू मेरे खानदान को डसती आई है, लेकिन आज जो जहर तेरे दिमाग में भरा है मैं सब जान गया हूं। इससे पहले कि तू मेरी बेटी को डसे, मैं तेरा सर हमेशा हमेशा के लिए कुचल कर रख दूंगा। मैं नहीं झुकूंगा। रुक जाओ।
और इस तरह अपनी बेटी अंजलि की जान बचाने के लिए मैंने रूपा का कत्ल कर दिया, जिसका इल्जाम मेरे बेटे राजा के सर पर आया। मैं तो मुजरिम हूं ही, कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूं योर ऑनर, पर मुझे मुजरिम बनाने के पीछे हरद्वारी लाल और जिम्मी का हाथ है। इनके अपराध इतने घिनौने हैं कि मैं दरख्वास्त करता हूं कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भाई भड़कते क्यों आए यार, बोलता हूं ना जज साहब, ये सच है कि सारे फसाद की जड़ मैं। दरअसल क्या है कि बरसों पहले मैं सड़क के किनारे बैठकर टायर के पंक्चर बनाया करता था और लोगों की जिंदगियां पंक्चर कर दिया करता था, लोगों के घर बर्बाद कर दिया करता था। और मुकद्दर की बात देखिए, आज तकदीर के नोकीले कीले ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके पंक्चर करके रख दी। ये जितने भी मुकदमे यहां चल रहे हैं, इन सब के पीछे मेरा हाथ है, हर कत्ल के पीछे मेरा हाथ है। और मेरे साथ ये जो रंगील बान वाला है, जो बेटा बैठा है, उसका सबसे बड़ा हाथ है। हम दोनों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, फांसी से बढ़कर कोई सजा हो तो वो दे दीजिए। हरद्वारी लाल और उसके बेटे जिमी को गिरफ्तार कर लिया जाए। जिमी को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। राजा, शायद मैंने दुनिया में इसलिए जन्म लिया कि तुम्हें इंसाफ दिला सकूं, लेकिन कभी कभी इंसाफ स्याही की जगह अपने खून से लिखना पड़ता है। वो मैंने अपने खून से लिख दिया राजा। नई जिंदगी और रानी तुम्हें मुबारक।